हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके भी टेलीग्राम ऐप में ये प्रॉब्लम आ रही है, जब आप लॉगिन करने के ट्राई कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो उस ऐप में, तो आपका जो वेरिफिकेशन कोड है, OTP नहीं आ रहा है वो, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज के वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको वो बताता हूँ मैं। समझो, मेरा ये है अकाउंट, इसमें भी OTP नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम मात्र 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जाना है टेलीग्राम ऐप की सेटिंग में। तो मैं बता देता हूँ सेटिंग में जाना कैसा है पूरा तरीके से। तो पहले जाना है सेटिंग में डिवाइस की। तो डिवाइस की सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको, सॉरी, आपको सर्च करना है ऐप्स या ढूंढ लेना है। तो ऐप्स अपने फ़ोन में अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा, हर फ़ोन में होते हैं। इसके अलावा बाद जाना है मैनेज ऐप्स में। मैनेज ऐप्स में आपको सर्च करना है टेलीग्राम। तो क्योंकि टेलीग्राम में ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे, तो टेलीग्राम को सर्च कर लिया हमने, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसकी परमिशन होगी बहुत सारी, तो देखो सभी परमिशन डिनाई है, तो जिस कारण OTP नहीं आ पा रहा था। तो हमें परमिशन को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट परमिशन ये वर्क नहीं कर पाता। अगर हमने इसको परमिशन नहीं दी होगी तो ये अपने फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सारी परमिशन वन बाय वन अलो कर देनी है। तो परमिशन अलो करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो वो क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले क्या करना है, सभी दो परमिशन बची हैं इसको इनेबल कर लेते हैं। माइक्रोफोन को भी कर देनी है आपको इनेबल। तो इसके बाद आपको करना है क्लियर डिफॉल्ट कर दीजिएगा और क्लियर कैच फर्स्ट स्टॉप कर दीजिएगा, और एक बार रिस्टार्ट करके डिवाइस को टेलीग्राम में रजिस्टर करके देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।